हाँ तो कहते हैं जी, बस मिलने का दिल में जुनून होना चाहिए और मिलने की वो जो चाहत होनी चाहिए, कोई भी दूरी जो है ना ज़्यादा नहीं होता है, हर दूरी कम हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने जो ये लोग देख रहे हैं ये मेरे आसपास के लोग नहीं हैं। ये लोग कहाँ से आए आप लोग? जमुई से। जमुई जिला से ये लोग आए हैं, ठीक है। मुझे तो पहले आश्चर्य, मतलब आश्चर्य है, जमुई जिला मैंने देखा सर्च करके तो 200 से ज़्यादा किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, लेकिन आप लोग सुनते पहले पटना चले गए थे। यस सर। अच्छा तो पटना कहाँ गए थे? वहाँ से ट्रेन मिलता है। अच्छा वहाँ से ट्रेन मिलती है, जमुई से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी ना, तो पहले आप लोग पटना चले गए थे। तो ये लोग सुनिए, पहले पटना चले गए थे जी, उसके बाद पटना से ट्रेन पकड़ करके कटिहार आए, और कटिहार आकर के कॉल किए, गुरु जी हम आपकी पावन धरती पर आ चाह ना आ चुके हैं, अब आपसे मिलना चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये लोग, आप लोग का एग्ज़ाम कब हुआ था? इस बार उन है ना 2022। चलिए 2022 में इन लोग एग्जाम दिए हैं, और देखिए हम तो कभी देखे नहीं जी, ऑनलाइन का जमाना है, आप लोग देखते थे ना यूट्यूब, बहुत डेली देखते थे ये लोग, और इतनी मतलब बहुत अच्छा लगा इन लोगों के कारण से। मैं जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म किया हूँ ताकि इन लोगों से मिलूँ और बात करूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग पहले ये बताइए, रास्ता में कैसे, मतलब आने में कोई परेशानी तो नहीं? सर कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं आपको? कोई परेशानी नहीं आपको जी? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अच्छा मन लग रहा था ना? हमको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा किसी को भी आने में यहाँ, अच्छा खेलते कूदते हुए आए हैं, किसी को आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा तो लगभग आप लोग पहले पटना गए, पटना से यहाँ आया, तो टोटल कितना किलोमीटर का सफर हुआ? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर? हाँ। अरे 450 किलोमीटर हो गया सफर, यानी कि इन लोगों को दुगना पड़ गया पहले पटना फिर यहाँ आने में 450। तो मतलब कब सोचे थे कि मिलने आना है? आने सोचे थे एग्जाम के बाद। अच्छा एग्जाम के तो बाद। फिर ये सब एक साथ आने था तब। हाँ। सब मिलके यही दिन हुआ तब आ गए। अच्छा यानी कि आने के लिए ना एग्जाम के बाद ही। अच्छा तो यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आए मेरे पास? आपसे मिलने सर। और क्या आपके चलते ऑफलाइन क्लास छोड़ दिए थे। अच्छा दो महीने ऑफलाइन क्लास छोड़ दिए थे? दो महीना ज्यादा छोड़ दिए। क्या मतलब, क्या लगा कि यूट्यूब पर पढ़ के काम हो सकता है? आपका पढ़ाई देखे, ऑफलाइन का पढ़ाई देखे हमको बहुत अलग लगा, हम ऑफिस पढ़ना चाहते। ऑफलाइन में कोई सुनेगा तो फिर बोलेगा नहीं आप लोग? सर सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते। अच्छा कोई कुछ, अच्छा कोई नहीं बोलते, चलो कोई बात नहीं है जी, ठीक है। तो कहते हैं ना ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए, हम लोग भी बात करते हैं बहुत दिनों से, हम ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन छोड़ चुके हैं। देखिए चीज़ें सही बात है, एक बार लाइफ मिलता है जहाँ से मिले पढ़ने के लिए। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, इन लोगों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ओर से आप लोग नाम बताएंगे, ठीक है, पहले अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? इधर आइए अच्छे से, क्या नाम? राजा देवदास। राजा देवदास इनका नाम है जी। अच्छा तो आप मैट्रिक, आप कितना दिन हमें देखे थे? लगभग लगभग 2 महीना। लगभग 2 महीना, यानी कि यही 2 महीना तो बहुत फेमस हुए थे लास्ट में। तो अच्छा कितना अंक आया आपका? 419। 419 अंक, सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में आया आपका? मैथ। मैथ में कितना अंक लाए? 93 अंक लाए, और हिंदी संस्कृत अच्छा रहा? yes. चलिए तो ये देखिए, जो राजा देवदास ना, yes. देवदास मतलब खैर नाम के देवदास है, पढ़ने में बहुत तेज है, 400 अंक बहुत ज़्यादा होता है। एक बार कैमरे में देखिए इधर, है ना, 400 अंक जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग उस समय बहुत मतलब कि सोचते थे 400 अंक, ठीक है। आपका क्या नाम है? किशन रॉय। किशन रॉय जी, किशन जी आपका कितना अंक आया है? 321 अंक आया, यानी 60% मतलब कि मतलब फर्स्ट डिवीजन हो गया, मतलब आप लोग सब फर्स्ट हैं क्या? सर टोटल फर्स्ट लोग हैं, ठीक है ना, सब लोग फर्स्ट किए हैं, और 300 तो आप उनको, आप ऐसा अपने घर में मिठाई खिलाए किसी को भी नहीं? हाँ सब खिलाए सब। हाँ सर तो अपने अंक से आप खुश हैं? हाँ सर बहुत। अच्छा बहुत खुश है, फर्स्ट डिवीजन है, क्या दिक्कत है, नंबर तो आता है। आपका क्या नाम है? मैं अविनाश कुमार नाम है। अविनाश कितना अंक लाए? अविनाश 322 अंक लाए। अच्छा तो आपको देख करके दूसरा भी सोचते होंगे सर इससे ज़्यादा अंक हम लाए, मिलने हम भी जाएंगे, हाँ तो आ सकते हैं ना? यस सर। अच्छा तो आपके गांव में, आपके गांव में और भी दोस्त लोग भी हैं? यस सर बहुत, बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा कम से कम 2-3 दोस्त का आप नाम बता दीजिए, बता दीजिए 2-3 दोस्त गाँव में। सुमित और इधर आके बताइए क्या? सुमित, विकास, रोशन, हाँ सब। और देखिए जिसका नाम नहीं बोले वो वीडियो को देखेगा फिर वो आपको बोलेगा। देख रहा है, वो देख रहा है सर। नहीं तो रिकॉर्डेड है, फिर देखेगा अभी। अच्छा देखेगा ना। अच्छा तो जिसका दुकान था उसका इसलिए नहीं आया विकास। अच्छा विकास का दुकान था ना, देख लीजिए, नहीं तो सुनेगा बोलेगा तुम वहाँ गया मेरा। अच्छा हमको वीडियो कॉल किया है ना। अच्छा हाँ बोलिए। और एक अमित है वो बोला अभी अभी फोटो देखा था, बोला नाम मेरा लेने सर पर डर से बोल दिया, सोचे गाँव में डांटेगा। अच्छा तो अच्छा मतलब कि आप लोग सब मतलब जो है ना मिडिल फैमिली से सब लोग हैं, जैसे हम लोग हैं मध्य वर्ग के हैं सब लोग हैं, ठीक है। तो मतलब कि आप लोग यूट्यूब पर देखे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अच्छा आप लोग में से कोई वीडियो बना के नहीं भेजे थे हमको?
नहीं भेजाते, कोई बात नहीं, हम सर वीडियो क्या बना भेजेंगे, सर के पास ही पहुंच जाते हैं एक ही बार में सब वीडियो डालते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजा कुमार। इधर आइए राजा कुमार। तो राजा दो दो है, एक ये राजा है और एक ये राजा है, ठीक है? हाँ, ये आप बस कुमार हैं, आप ही देवदास हैं, हम याद रखेंगे फिर से। लंबा है तो कुमार है ना। अच्छा, तो आपको कितना अंक है राजा? 360 नंबर। 360 सबसे ज्यादा किस में आ गया? एसएसटी में। कितना अंक है? 93। अच्छा, आपको 93 मिला, तो स्कूल से कितना अंक मिला? 18 नंबर। 18, दो नंबर क्यों काटा गया? नहीं मिलना चाहिए था ना, तो 95 हो जाता क्या? तो बहुत मजा आता। आपका क्या नाम है? हिमांशु कुमार। हिमांशु, अच्छा कितना अंक आया आपका? 374। 374 अंक आया, अच्छा बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा अंक किस में आया? संस्कृत में। संस्कृत में, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो संस्कृत पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत ना? अच्छा, वीडियो देखे थे हमारी भी? ऑफलाइन क्लास भी। अच्छा, ऑफलाइन भी क्लास था और वीडियोस भी देखे जी सर आपका वीडियो। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों से मिल करके। और अभी इन लोगों को जाने तो देंगे नहीं, बहुत जिद करते हैं सर जाएंगे, जाने नहीं देंगे ना, 10-20 में ट्रेन में कह रहे जाने तो नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब कि इतने थक करके आए हैं, अब इनके साथ रहेंगे, मिल के सब खाना पीना खाएंगे, उसके बाद इन लोगों के ना सुबह भेजेंगे, रात में वीडियो शूट हो रही है, आप लोग कभी भी देख लीजिए, ठीक है? तो आप लोग जो बच्चे नया नया आ रहे हैं अभी 2023 में एग्जाम देंगे, इन लोगों के लिए थोड़ा सा आप पहले बता दीजिए, क्योंकि आपका बहुत नंबर आया है, बताइए इन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, इधर आके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है थोड़ा बहुत, बताइए कैसे पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए मन लगाकर। मन लगाकर पढ़ना, इधर देख करके बोलिए मन। अच्छा, आप कितना घंटा पढ़ते थे स्टार्टिंग में? कंफर्म भी नहीं, मतलब 2-4 घंटा 5 घंटा शुरू तो सिर्फ ऑफलाइन क्लास करते जी जी। अंतिम में कितने समय पढ़ते थे, जब लास्ट एग्जाम आ गया, बचा है 2-1 महीना बचा जो आपका टाइम था, बस वही घर पर पढ़ते होंगे ना जी, स्टडी भी करते होंगे ना? आपका ऑफलाइन में रिकॉर्डेड जब लाइव खत्म हो जाता रिकॉर्डेड देखते थे। अच्छा, लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड देखते थे। चलिए तो देखिए, इन सभी लोग जब मतलब हम जब सोचे ना कोई मिलने के लिए कोई एक लोग आ रहा हो, हम बैठे थे कंप्यूटर देखते, एक के बाद एक, एक के अंदर से 5 लोग आए है ना, और कह रहे थे सर आप तो मतलब 20 लोग आने वाले थे, तो एक बारात हो जाता ना जी। चलिए अच्छा, आप लोग में से अगर आप लोग भी जमुई जिले के होंगे और इन लोगों को पहचानते होंगे, ठीक है, हमको लगता है बहुत पहचानते होंगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या आप लोग इन लोगों को पहचानते हैं? और इन लोगों को जाने तो नहीं देंगे, साथ में भी हम लोग रहेंगे आराम से, ठीक है, जाने नहीं मिलेगा बता रहे हैं, ठीक है, सुबह जाने देंगे आप लोगों को। चलिए तो एक बार सभी को बाय बाय कर दीजिए अपनी ओर से, ठीक है, सबको कर दो बाय बाय कर दो, ठीक है ना? और जी आप लोग भी आइए कभी, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, जहां मौका मिले कभी, हम आपके शहर हैं तो ठीक है, और हम आप लोगों को कहना चाहते हैं इन लोगों के यहां भी हम जाएंगे जी, हां जाते हैं ना, पूरा फ्री है, सोचे आप लोग शादी में आते हैं, चलिए आप लोग शादी में अभी, अच्छा नहीं तो अच्छा, तो आप लोग तो मेरे शादी में तो आएंगे कि नहीं? अरे आएंगे, चलिए ठीक है, तो हम लोग आते हैं जी जमुई जिला घूमने के लिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे साथ मिल चुके हैं राजा हैं, यहाँ राजा हैं, ये हिमांशु हैं, और ये हो गए अविनाश, और ये हो गए कृष्ण, ठीक है ना? तो आते हैं जी, खूब मजा करते हैं, तो आप लोग भी कभी मिलिए, है ना? जय हिंद सभी को, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद कर दो सब लोग, लव यू, बाय सभी को। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा।